हेलो एवरीबॉडी, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल लॉ क्लासेस बाय शिवानी। सो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे कि अंडर हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ द पर्सन हु आर डिसक्वालिफाइड फ्रॉम इनहेरिटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ एन इंटेस्टी। तो बेसिकली हम मेजर डिसक्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे, एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपके सामने मेंस का क्वेश्चन भी दिखाऊंगी क्या पूछा गया है। एंड आई वॉन्टेड यू टू चेक कि मेरे पढ़ाने के बाद क्या आप वो क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पा रहे हैं कि नहीं, और अगर आप वो क्वेश्चन समझ पा रहे हैं, उसे अटैम्प्ट कर सकते हैं, देन इट इज़ वर्थ वॉचिंग माई वीडियो। मैं बस इतना चाहती हूँ कि जो भी टाइम आप यहाँ पर दें मेरी वीडियोज़ को देखें, वो मतलब फ्रूटफुल रहे। ऐसा ना हो कि बस ठीक है आपने वीडियो देख लिया एंड कोई मतलब नहीं बन रहा है। वैसे तो आई ट्राई कि इस तरीके की कोई चीज़ ना हो, जो भी कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करूँ वो मतलब एकदम इस तरीके का कंटेंट हो कि आपके फ़ायदे का हो। सो चलिए अब हम जो है पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, यहाँ पे सिर्फ दो ही तरीके के डिस्क्वालिफिकेशन है, ओनली टू काइंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। फर्स्ट वन इज़ मर्डरर एंड द सेकेंड वन इज़ कन्वर्ट। अगर कोई मर्डरर है तो उसे जो है डिस्क्वालिफाई कर दिया है फ्रॉम इनहेरिटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ हिज और हर इंटेस्टे, ठीक है। कन्वर्ट है, अगर कोई हिंदू है वो कन्वर्ट हो गए दूसरे रिलीजन में तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया है। पहले ये होता था कि लुनाटिक, इडियट, अनसाउंड माइंड, दे वर नॉट अलाउड टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ द इंटेस्टे, बट अभी ऐसा नहीं है। करंटली सिर्फ और सिर्फ मर्डरर को डिस्क्वालीफाई करा है और कन्वर्ट्स को डिस्क्वालीफाई करा है फ्रॉम इनहेरिटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द इंटेस्टे। सो यहाँ पर ये है मेजर थिंग, इसे ध्यान रखेंगे। 27 तो आपका कॉमन सेक्शन है, तो सेक्शन 25 में देखते हैं क्या है। मर्डरर डिस्क्वालिफाइड, अ पर्सन हु कमिट्स द मर्डर और अबेट्स द कमीशन ऑफ द मर्डर शैल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम इनहेरिटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन मर्डर्ड और एनी अदर पर्सन और एनी अदर प्रॉपर्टी इन फर्दरेंस ऑफ द सक्सेशन टू विच ही और शी कमिटेड और अबेटेड द कमीशन ऑफ द मर्डर। छोटी सी बात है बस एक, कि जिसकी प्रॉपर्टी है उसका मर्डर उसी के लीगल हेयर ने जो है किया है, सो इस लीगल हेयर को जो है डिसक्वालीफाई कर दिया फ्रॉम इनहेरिटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द इंटेस्टे। अब मैं आपको जो है एग्जाम्पल दे के समझाती हूँ। अब आप पूरे फोकस के साथ इस स्लाइड पे ध्यान दीजिए। देख सकते हैं आप कि ए पे मैंने क्रॉस कर रखा है, तो ए की जो है मदर है एम, वाइफ है सन एंड डॉटर। जो सन है ना, इसी ने जो है अपने ही फादर का यहाँ पर मर्डर किया है। तो यहाँ पर डिसक्वालीफिकेशन किस तरीके से इफेक्ट में आएगा, देखिए सीधी सी बात है, 25 के अंदर तो इसको डिस्क्वालीफाई कर देंगे, लीगल एयर होता वो उसका, ठीक है, तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दे क्योंकि उसी ने अपने फादर का जो है यहाँ पे मर्डर किया है। सिंपल सी 25 लग गया। बट डिस्क्वालीफिकेशन किस तरीके से अफेक्ट में आता है, देखिए ये माना जाता है, ऐसा मानते हैं कि जो ए है उसकी डेथ से पहले जो है इसकी बेटी की डेथ हो गई, देयरफॉर ही इज़ डिस्क्वालीफाइड इस तरीके से। बट क्या होगा, इसकी जो प्रॉपर्टी का शेयर है, बेटे की प्रॉपर्टी का शेयर, उसे तो डिस्क्वालीफाई कर दिया है, बट आगे की इसकी ब्रांच में ज़रूर जाएगा, डिवॉल्व होगा, उसकी जो है बीबी को मिलेगा, W1 को मिलेगा, S1 को मिलेगा, D1 को मिलेगा, ठीक है। तो सेक्शन 26, कन्वर्ट डिसेंडेंट्स डिस्क्वालीफाइड, वे बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट अ हिंदू हैज सीज्ड और सीज्ड टू बी हिंदू by the conversion to another religion, children born to him or her after such conversion and their descendants shall be disqualified from inheriting the property of any of their Hindu relatives unless such children or the descendants are Hindus at the time when the succession open. Interpretation ये है, जो person convert हो गया है, जो legal heir convert हो गया है, he is disqualified from inheriting the property of the intestate. सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था कि हिंदू सक्सेशन एक्ट किस पे अप्लाई करता है, हिंदूज पे अप्लाई करता है। तो जब सक्सेशन ओपन होगा तो पहले तो यही देखेंगे ना कि हिंदू है कि नहीं। अब यहाँ तो हिंदू है ही नहीं, कन्वर्ट हो गए तो डिस्क्वालीफाई हो गए, ठीक है। बस डिस्क्वालीफिकेशन कैसे वर्क करेगा, यही माना जाएगा कि जो लीगल हेयर है वो जो है पहले ही जो है उसकी डेथ हो गई है, इंटेस्टे की डेथ से पहले, इस तरीके से डिस्क्वालीफिकेशन यहाँ पर भी वर्क करेगा। अब हम देखेंगे सेक्शन 27। According to section 27, succession when heir disqualified, if any person is disqualified from inheriting any property under this act, it shall be devolved as if the such person has died before the intestate. मैंने बताया ना आपको दोनों disqualification कैसे workout करती हैं, तो वो section 27 में ही लिखा है। For example, I got converted, ठीक है, so I won't be able to get any share from my father's property and it will be presumed that I died before my father's death.
सिंपल सी बात है। और ये मर्डर और कन्वर्ट्स दोनों के लिए ही आपका यही कॉमन जो है चीज़ फॉलो की जाती है सेक्शन 27 वाली, कि ये मान लिया जाता है कि जो इंटेस्टे है उसकी डेथ से पहले दैट लीगल है, जिसको यहाँ पे डिसक्वालीफाई कर रहे हैं आप, या तो कन्वर्ट हो गया या फिर वो मर्डरर है, तो उसकी डेथ इंटेस्टे की डेथ से पहले हो गई है, इस तरीके से जो है यहाँ पे प्रिज्यूम किया जाता है। सेक्शन 27 के हिसाब से ही चलेंगे, ठीक है। अब एक सेक्शन और है आपका सेक्शन 20। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 28, डिजीज डिफेक्ट एक्सेट्रा नॉट टू डिस्क्वालीफाई, नो पर्सन शैल बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम सक्सीडिंग टू एनी प्रॉपर्टी ऑन द ग्राउंड ऑफ एनी डिजीज डिफेक्ट और डिफॉर्मिटी और सेव एज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट और एनी अदर ग्राउंड व्हाटसएवर। मैंने बताया था कि पहले ये लॉ था कि डिजीज़ और डिफेक्ट के बेसिस पे जो है डिस्क्वालीफाई कर देते थे, इंसेनिटी हो गया, ठीक है, ही इज़ नॉट साउंड माइंड, बट अब इस तरीके कोई भी ग्राउंड नहीं है, अब सिर्फ और सिर्फ दो ही ग्राउंड है, एक तो वो उसने मर्डर किया है या फिर उसने क्या किया है, वो कन्वर्ट हो गए दूसरे रिलीजन में, हिंदू धर्म से जो है दूसरे धर्म में जो है कन्वर्ट हो गया। ऑल राइट, सो स्टूडेंट यहाँ पे हमने मेजर डिस्क्वालिफिकेशन के जो भी सारे सेक्शंस हैं हमने सब कवर कर। एंड नाउ इट्स टाइम टू चेक कि इतना पढ़ने के बाद, 5-6 मिनट की वीडियो देखने के बाद, क्या अब आप मेंस का क्वेश्चन कर पाएंगे कि नहीं। सो द क्वेश्चन इज़, व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ एक्सक्लूजन फ्रॉम इनहेरिटेंस अंडर द हिंदू सक्सेशन एक्ट, कैन अ लुनाटिक इनहेरिट द प्रॉपर्टी। आई गेस अब आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं, और जो भी मैंने आपको समझाया अब तक, अगर आपको समझ में आया है प्लीज़ कॉमेंट डाउन बिलो कि कैन अ लुनाटिक इनहेरिट द प्रॉपर्टी। प्लीज़ आई रियली वॉन्ट कि आप लोग जो है कॉमेंट करें। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल आपका बिहार जुडिशरी में पूछा गया था कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में देर आर सर्टेन कैटेगरीज ऑफ द पर्सन डिसक्वालीफाइड फ्रॉम इनहेरिटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द इंटेस्टे, एक्सप्लेन द नेचर एंड द स्कोप ऑफ द डिसक्वालिफिकेशन एंड इट्स अफेक्ट ऑन द मोड ऑफ डिवोल्यूशन ऑफ सच प्रॉपर्टी। अफेक्ट ऑन द मोड ऑफ डिवोल्यूशन ऑफ सच प्रॉपर्टी मैंने आपको एग्जाम्पल दे के समझाया था। सो स्टूडेंट क्या अब आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? आई जस्ट होप कि जो भी मैंने आपको प्रोविजंस बताए हैं इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही आए और आपको समझ में ज़रूर आया हो, और किसी भी तरीके से अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो वो भी प्लीज़ आप मुझे जो है कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। सो स्टूडेंट दैट्स इट ऑन दिस वीडियो। आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने मेजर डिस्क्वालिफिकेशन पढ़े हिंदू सक्सेशन एक्ट में, इंटरप्रिटेशन देखा, उसके बाद मेंस का क्वेश्चन देखा। आई जस्ट होप कि आपको ज़रूर समझ में आया हो। प्लीज़ कॉमेंट करिएगा एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ये सीरीज़ ऐसे ही चलती रहेगी। आई विल ट्राई माई बेस्ट वंस अगेन आई एम सेइंग कि मैं आपको प्रोविजंस अच्छे से समझा पाऊँ, ताकि आपको जो है यहाँ पे मेरे चैनल पे विजिट करने का फ़ायदा मिले। सो कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीबॉडी।